हेलो दोस्तों, वेलकम टू टी टी एल बास 2019। और अभी हम हैं पॉलिटी के सेक्शन में। तो आई होप आपने अपना लेवल वन पॉलिटी का ख़त्म कर लिया है, जिसमें कि आई गेस आपने पॉलिटी की क्लास 11th की टेक्स्ट बुक पढ़ी है। एंड आई होप दैट यू हैव एक्चुअली फिनिश्ड जो भी आपका टेस्ट हुआ है, राइट? उस टेस्ट से आपका एक बेसिक एनालिसिस हो गया होगा कि आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, राइट? सो सिंस अब हमारा लेवल वन खत्म हो चुका है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारा लेवल टू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, राइट? तो लेवल टू का मतलब है कि आपकी तरफ से पढ़ाई और मेहनत भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी हमारी तरफ से कंटेंट और बढ़ेगा, राइट? सो यहाँ पर कल से हम कवर करेंगे, एक किताब आती है एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। नाउ अगर आपको पता है, वेल एंड गुड। इफ़ यू डू नॉट हैव द टेक्स्ट बुक, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो टेक्स्ट बुक लें, और जैसे जैसे इंडेक्स वीडियोस आए और आपको बताया जाए कि हमारे इंडेक्स वीडियोस के साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर आप उसके साथ साथ पढ़ते हैं, राइट? सो बिफोर आई टेल यू कि हम कल से क्या शुरू करने वाले हैं, एक मैं छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, राइट? अब वो एग्जैक्टली चीज़ क्या है, राइट? सो हाउ डू वी एक्चुअली प्रिपेयर एक लेवल ऊपर बाकी स्टूडेंट्स से, राइट? तो आप प्रिज्यूम कर लो कि सपोजिंगली 500,000 बच्चे अपियर कर रहे हैं, राइट? तो उसमें से सिर्फ 2% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2% बच्चे और बाकी बच्चे नहीं, राइट? तो इसका रीज़न क्या होता है कि आप सब दो एक ही तरह के टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, बट हम सब क्या सोचते हैं, पहले किताब पढ़ लेते हैं, बाद में सवाल सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे, राइट? किस तरह की अप्रोच, हमने अपने कोर्स को कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। अब आफ्टर एवरी मॉड्यूल हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जो आपने सिलेबस कवर किया है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी वी हैव एक्चुअली एनालाइज्ड कि आपकी प्रिपरेशन को बाकी स्टूडेंट से ऑलरेडी एक लेवल ऊपर कैसे बढ़ा दिया जाए, राइट? सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने 95 से लेके 2018 तक का एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, राइट? और हम क्या करेंगे, हर उस टॉपिक का जो आपका कवर होता जाएगा, वो सारे सवाल जो 95 से 2018 तक उस टॉपिक से आए हैं, वो हम कवर करेंगे आपके लिए। दैट वे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन एग्जैक्टली यूपीएससी के ही तरह ओरिएंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और एंड तक आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के सवाल आने वाले हैं। तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि एक आम यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। हम शुरू से ही एग्जैक्टली यूपीएससी की डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी हम अगले लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं। तो आपके अगले लेक्चर में जो टॉपिक होने वाला है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो जैसा कि किताब में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एम लक्ष्मीकांत, इसका आप चैप्टर वन रेफर करेंगे उस टेक्स्ट बुक से। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बुक है ये हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर टू कवर अपने क्रैश कोर्स के लिए कवर की थी, राइट? तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि हाउ इलैबोरेट एंड हाउ कॉम्प्रिहेंसिव वाज़ अ क्रैश कोर्स इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, एक एक मॉड्यूल आगे बढ़ेगा, हम मॉड्यूल पढ़ेंगे, फिर हम सवाल करेंगे, एंड विल बी सो परफेक्ट जस्ट लाइक जो बाकी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारा क्रैश कोर्स लिया था। हमने उन्हें मोटिवेट किया, उन्होंने अपनी तरफ से और बहुत ज़्यादा मेहनत की, एंड दे वर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ रादर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी इन दिस ईयर प्रीलिम्स, राइट? और अब वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो या दैट विल बी ऑल, और मिलते हैं दोस्तों कल दोबारा से इस लेक्चर के बाद। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, बाय बाय।